उचाणा के करसिंधु में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम रद्द। आपको बता दें कि आज उचाणा के गांव करसिंधु में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को आना था। उनके आने से पहले ही उनके स्वागत में वहां के किसानों ने काले झंडे लेकर जोरदार नारेबाजी करी, जिसके चलते उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आगमन से पहले किसानों और खापों ने उनके लिए बनाई गई हवाई पट्टी को ही उखाड़ दिया। हालांकि बिना किसी कारण पता चले उप मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जींद के उचाणा हलके से विधायक हैं और अपने विधानसभा में ही दौरा प्रस्तावित था। किसानों ने कहा दुष्यंत चौटाला के दादा पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने किसानों के लिए कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी। किसानों ने कहा अब जब तक दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा देकर किसानों के बीच में नहीं आते, तब तक उनकी हलके में एंट्री बैन कर दी गई है। बांगर की किसानों की महापंचायत हुई थी पालू चौहत्तरे पर, सर्वजातीय दारण खाप का पालू चौहत्तरा है, उस पर किसान महापंचायत हुई थी। उसमें एक निर्णय लिया गया था 5 तारीख को कि जो भी बांगर का नेता, चाहे MLA हो चाहे MP हो, जो भी हमारे बांगर के इलाके में घुसेगा, हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाकर उसको क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। आज शिवानिया स्कूल के अंदर हमारे जो डिप्टी CM है, उचाणा से MLA है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने आना था, हमें पता चला, तो किसान सभी इकट्ठे हुए यहाँ अपने काले झंडे लेकर, और उन्होंने आकर हेलीपैड को उखाड़ा। प्रोग्राम तो कहाँ उसको उतरना था, आज यहाँ शिवानिया पब्लिक स्कूल के अंदर उसको उतरना था और करसिंधु गांव में उसका प्रोग्राम था, तो हजारों की संख्या में किसान करसिंधु गांव भी पहुंचे हुए थे काले झंडों के साथ, जिन्हें दुष्यंत चौटाला को दिखाने थे और क्षेत्र से बाहर निकालना था, और यहाँ स्कूल के अंदर भी हजारों की संख्या में हमारे किसान भाई काले झंडों के साथ पहुंचे थे। उखाड़ दिया हेलीपैड को, हमने हेलीपैड को उखाड़ दिया है, और हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे या तो वो जल्दी से जल्दी अपना सरकार से समर्थन वापस लेकर किसानों के बीच में आए, नहीं तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उसने किसानों के साथ ठगी की है, किसानों का वोट लिया है और आज उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो अपने आप को देवीलाल का वारिस कहलाता, जिस देवीलाल ने किसानों के लिए कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी। इसलिए हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे कि अपना समर्थन सरकार से वापस लें और किसानों के साथ आकर बैठे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।